हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो इंडियन बड़ी यूट्यूब चैनल को। और अगर आप भी अपने लिए कोई 20,000 के नीचे का फोन खरीदने वाले हो और उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप देख भी सकते हो। दोस्तों, इस लिस्ट में जो भी फोन मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किए गए हैं, यानी किसी को बड़ी बैटरी चाहिए होती है, किसी को अच्छा कैमरा चाहिए होता है, किसी को परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए अपने फोन में, तो इन सब बातों का इस लिस्ट में ध्यान रखा गया है। काफी बढ़िया वीडियो बनाई गई है एकदम रिसर्च के बाद, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से चलते अपने पांचवें नंबर के फोन की तरफ। लिस्ट का जो पांचवें नंबर का फोन है वो दोस्तों सैमसंग लवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और वो फोन है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F62। इस फोन में आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो की आती है इन्फिनिटी ओवर डिस्प्ले डिजाइन के साथ। रियर साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। 7000 एमएच की एक बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन छोटा सा डाउनसाइड है कि इसमें आपको सिर्फ 25 वॉट का ही फास्ट चार्जर भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको ये बैटरी चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि दोस्तों इस फोन में काफी बड़ी बैटरी दी गई है, तो सैमसंग की तरफ से आपको एक बोनस फीचर भी इसमें मिल जाता है जो कि है रिवर्स चार्जिंग का, जिस वजह से आप इस फोन को एक पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हो। इस फोन में दोस्तों आपको एक्सिनोस 9825 चिपसेट मिलता है, जो कि सैमसंग का एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। इस फोन का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 18,000 रुपए का मिल जाएगा और अगर आप इसका 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट लेते हो तो वो आपको 20,000 रुपए का मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नंबर के फोन की, जो कि है मोटोरोला G60। एंड इस फोन के रियर साइड में दोस्तों आपको 108 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि इस फोन की बिगेस्ट हाईलाइट है। फ्रंट में दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलता है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। 6000 एमएच की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि आती है 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। एंड इस फोन में दोस्तों आपको 6.8 इंचेस की एक फुल HD प्लस स्क्रीन दी गई है, जो कि आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इस फोन में दोस्तों आपको एक बोनस फीचर मिलता है जो कि है एंड्रॉइड 11 का, यानी बिना अपडेट किए आपके फोन में एंड्रॉइड 11 होगा और साथ ही इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। कोई ऐड आपको इसके UI में नहीं मिलेंगे। अब बारी आती है दोस्तों हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर के फोन की, जो कि है Realme 8 Pro। इस फोन के अंदर दोस्तों आपको 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो कि आती है नॉर्मल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। स्नैपड्रैगन 720G आपको इसमें प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों सेम प्रोसेसर हमें पोको M2 Pro में भी मिलता है, जो कि 13,000 का फोन है और उसका टॉप वेरिएंट भी 14,000 का है। तो प्रोसेसर के मामले में Realme 8 Pro को हम कह सकते हैं ठीक ठाक है, उतना अच्छा हम नहीं कह सकते। 4500 एमएच की इसमें आपको बैटरी दी गई है, जो कि आती है 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। रियर साइड में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन का दोस्तों आपको बेस वेरिएंट 18,000 रुपए का मिलेगा और अगर आप इसका 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट लेते हो तो ये आपको 20,000 रुपए का पड़ जाएगा। दोस्तों Realme 8 Pro फोन में हमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों Realme 8 Pro हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि इस फोन में हमें Snapdragon 720G प्रोसेसर दिया गया है। अगर इसमें प्रोसेसर हमें थोड़ा और अच्छा मिला होता तो ये फोन दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर होता। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर के फोन की, जो कि है पोको X3 Pro। इस फोन में दोस्तों आपको 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस स्क्रीन दी गई है, जो कि आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही इसमें आपको 240 हर्ट्ज का एक टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। रियर साइड में दोस्तों आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको गेमिंग करनी बहुत ज्यादा पसंद है तो उसके लिए आपको इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। साथ ही इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस फोन में, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है पोको X3 के साथ वो बहुत अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है हमारे पहले नंबर के स्मार्टफोन की, जो कि है Redmi Note 10 Pro Max। इस फोन में दोस्तों आपको 6.6 इंचेस की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो कि आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन दोस्तों हमें बहुत ही कम फोन्स में देखने को मिलता है और खास करके अंडर 20,000 में तो बिल्कुल नहीं मिलता। स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। 5000 एमएच की आपको बैटरी दी गई है, जो कि आती है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। रियर
साइड में आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और ये फोन दोस्तों 5G को भी सपोर्ट करता है और साथ ही इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों इन्हीं फीचर्स की वजह से Redmi Note 10 Pro Max हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पर रैंक करता है। वैसे दोस्तों नंबरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे फोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मैं ऑनेस्टली आपको कहूंगा कि अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है तो आप पोको X3 Pro लो, लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो आपके लिए Redmi Note 10 Pro Max बेहतर रहेगा। और इन सभी स्मार्टफोन्स की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाके इनको परचेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।